हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और लगभग हर साल कोई बोर्ड ये क्वेश्चन आता ही आता है। रूट फाइव इज इरेशनल नंबर या रूट टू इज इरेशनल नंबर या रूट थ्री इज इरेशनल नंबर हर बार आता है। लेट अस एज्यूम दैट, कैसे करेंगे स्टार्ट इसको, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें लिखना है इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया सारा ये। लेट अस एज्यूम दैट रूट फाइव इज रैशनल। हमने ये एज्यूम कर लिया कि रूट फाइव जो प्रूव करना है उसके ऑपोजिट एज्यूम कर लिया। प्रूव क्या करना है, इरेशनल। हमने इसको एज्यूम क्या कर लिया, रैशनल। देन वी कैन फाइंड इंटीजर आर एंड एस, जिसमें एस आपका जीरो नहीं होना चाहिए, सच दैट रूट फाइव इज इक्वल टू आर बाई एस, क्योंकि रैशनल फॉर्म में दिखाना है, ऐसे दिखाएंगे ना आर बाई एस की फॉर्म में। अब क्योंकि इसको रैशनल हमने इसको एज्यूम किया है, अगर रैशनल होगा तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होंगे। कॉमन फैक्टर आर और एस में कॉमन फैक्टर होगा कोई ना कोई, जैसे कि आपका है 4/6। इसके अंदर अगर कॉमन फैक्टर की बात करें, जैसे हम इसको फैक्टर कर दें 2 × 2 और 2 × 3 प्राइम फैक्टर बना दिए, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा आपका, ये 2/3। अब यहाँ 2/3 में जो है ना 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इस केस में आपके 2 और 3 क्या हो गए, आपके ये को प्राइम है। को प्राइम नंबर किन को कहते हैं, जिनके अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनको को प्राइम कहते हैं। चलिए रूट फाइव को हमने आर बाई एस से दिखा दिया। सपोज आर एंड एस हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जैसे 4/6 में 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर हमने, जैसे एक और देखो × 1 × 1 कर सकते हैं आप इसको, तो ये कह रहा है कि R और S के अंदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कोई है तो उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने के बाद फिर क्या बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये कॉमन फैक्टर टू गेट रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाई बी। अब यानी रूट फाइव इस फॉर्म में आ गए ए बाई बी, और इस ए बाई बी के अंदर कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि आपके ए और बी क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। अब ये ठीक है, उसके बाद अगला क्या कि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप ऐसे, रूट फाइव इंटू बी और इज इक्वल टू ए कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यानी कि अब यहाँ आप क्या लेके चल रहे हैं, हम ए और बी को हम क्या लेके चल रहे हैं, को प्राइम। को प्राइम का मतलब इनके अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कीजिए। रूट फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, और b का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, उधर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अगर इनको अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि अगर सीधा सीधा देखें तो ए स्क्वायर 5 से भी डिवाइड हो रहा है और ए स्क्वायर b से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन अपना टारगेट तो इस 5 पे है। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5a² को क्या करता है, डिवाइड करता है। और अगर 5a² को डिवाइड करेगा तो 5 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। 5 अगर a² को डिवाइड कर रहा है, देख लेना आप करके ऐसे भी इसको, a² को अगर डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। और अगर 5a को डिवाइड कर रहा है, जैसे देखिए 2 जो है मान लीजिए 18 को डिवाइड कर रहा है, तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, हम 2 × 6 कर सकते हैं ना ऐसे। तो ऐसे ही अगर 5a को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स a इज इक्वल टू 5c, जैसे यहाँ पे 2 × 6 किया, जैसे 5 का एग्जांपल हो तो मान लो 15/5 किया तो क्या बन जाएगा आपका, ये 5 × 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 5c। यानी a को आप क्या लिख सकते हैं, 5c लिख सकते हैं अगर 5 जो है a को डिवाइड कर रहा है तो। अब इस a इज इक्वल टू 5c को आप यहाँ रख दीजिए 1 के अंदर, इसमें रख देंगे, इस ए की जगह रख देंगे 5, देखिए यहाँ क्या 5b², इसकी जगह लिख दिया 5b², ठीक है। और ए स्क्वायर की जगह लिखा 5c, इस ए स्क्वायर की जगह लिख दिया 5c, क्या दे रखा था आपका 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 5b² तो ऐसे ही है, और ए स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने 5c² अब 5b², 5 का स्क्वायर क्या 25, और ये क्या हो जाएगा c², दोनों। और अगर आप 5c इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 को डिवाइड करेंगे दोनों साइड से तो क्या बचेगा आपका, ये b² इज इक्वल टू 5c². इसका फिर ऊपर कितने, जैसे सेम ऊपर वाले में था ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हुआ,
कि आपका बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर इसके दो फैक्टर हो गए ना, बी स्क्वायर एक किस्म से फाइव एंड सी स्क्वायर दो फैक्टर हो गए इसके, तो बी स्क्वायर इसका मतलब क्या हो रहा है, फाइव से डिवाइड हो रहा है, या ये कह देंगे दिस मीन्स फाइव डिवाइड्स बी स्क्वायर, कि फाइव आपका बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और अगर फाइव बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फाइव बी को भी डिवाइड करेगा। तो यानी क्या हुआ आपका, यहाँ अगर देखें तो फाइव किसको डिवाइड कर रहा है, बी को, फाइव किसको डिवाइड कर रहा है, ए को, फाइव ए को डिवाइड कर रहा है, फाइव बी को डिवाइड कर रहा है, जबकि हमने शुरू में यहाँ पे एज्यूम क्या कर लिया था, यहाँ ये कहते थे कि ए और बी आपके क्या है, को प्राइम है, को प्राइम का मतलब इनके अंदर वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ तो क्या होगा, हमने देखा कि वन के अलावा एक कॉमन फैक्टर फाइव आ गया, अभी यहाँ तो कि ए भी फाइव से डिवाइड हो रहा है, बी भी फाइव से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट फाइव एज ए कॉमन फैक्टर, कि ए और बी में कम से कम एक कॉमन फैक्टर फाइव तो है भी, जिसने हमारी ऊपर वाली बात को सारी को गलत कर दिया, क्योंकि हमने देखो को प्राइम बताया था ए और बाई बी को, लेकिन यहाँ तो एक कॉमन फैक्टर फाइव आ गया है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ये तो इस बात के उल्टा हो गया भी इनके अंदर ए और बी के अलावा, क्योंकि को प्राइम थे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा तो फिर हमने जो अजम्पशन शुरू में किया था गलत कर लिया, शुरू में हमने एज्यूम क्या कर लिया था, लेट अस एज्यूम दैट रूट फाइव इज रैशनल, तो हमारा अजम्पशन ही गलत था अभी फिर तो इसलिए क्या कहेंगे, एंड इट इज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट फाइव इज रैशनल, सो रिजल्ट क्या निकला, रूट फाइव इज इरेशनल, बस इतना करना आपको, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, करके देखोगे इजी क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से। तो ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन।